तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर Vivo Y91i यूजर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप Vivo Y91i के डिवाइस पर Android 12 और FrontOS 12 का अपडेट कैसे ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि Vivo ने जो ऑफिशियल लिस्ट जारी की है उसके अंदर आपके डिवाइस का नाम नहीं है, यानी कि आपको Android 12 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप अपने डिवाइस पर Android 12 का अपडेट कैसे ले सकते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको अपने फ़ोन पर Android 12 और FrontOS 12 का अपडेट चाहिए तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं कैसे आप अपने डिवाइस पर Android 12 और FrontOS 12 का अपडेट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो Vivo ने ऑफिशियल लिस्ट जारी की है उसके अंदर अगर आपके डिवाइस का नाम होता तो उस पर कन्फर्म था कि आपको Android 12 का अपडेट तो मिलना ही मिलना था। लेकिन आपके डिवाइस का नाम इसमें नहीं है, इस लिस्ट में, तो आपको कैसे लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Vivo ने जो ऑफिशियल लिस्ट जारी की थी Android 11 की, तो उसमें भी कई ऐसे डिवाइसेज के नाम नहीं थे जिस पे Android 12 फिर भी मिला था। इसी तरह हम Android 12 में भी मान सकते हैं कि Android 12 में जिन डिवाइसेज के नाम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उन डिवाइसेज को अपडेट नहीं मिलेगा, उन पर भी अपडेट मिल सकता है, क्योंकि ये एक बार पहले ये हो चुका है। Android 11 की जब लिस्ट आई थी तो उसमें भी कई ऐसे डिवाइसेज के नाम नहीं थे लेकिन फिर भी उन पर Android 11 का अपडेट मिला था। इसी तरह हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि Android 12 की जो लिस्ट है इसके अंदर जिन डिवाइसेज के नाम नहीं है उन पर भी Android 12 अपडेट आ सकता है, चाहे वो Vivo Y11 हो गया, Vivo Y12 हो गया, या फिर Vivo Y15 हो गया, या फिर Vivo Y91i हो गया, इन सभी डिवाइसेज पे अपडेट मिल सकता है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि आप इसकी संभावना को और कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपडेट तो आ सकता है Android 12 का आपके डिवाइस पर, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपके डिवाइस पर और ज़्यादा संभावना बढ़ जाए अपडेट आने की Android 12 और FrontOS 12 की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ वो हर एक बंदे को करना, हर एक बंदे को फॉलो करना जो भी इस वीडियो को देख रहा है। अगर आप सीरियस हो कि आपके डिवाइस पर Android 12 और FrontOS 12 का अपडेट चाहिए तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूर से ज़रूर करना। तो सबसे पहले आपको एक ट्विटर अकाउंट बना लेना है अगर आपके पास नहीं है, उसके बाद आपको ट्विटर को ओपन करना। मैं यहाँ अपना ट्विटर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ प्लस के निशान पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्वीट पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर आपको डाल देना है आई वॉन्ट टू अपडेट Android 12 एंड FrontOS 12 ऑन माई Vivo Y91i डिवाइस। और अगर आपका डिवाइस यहाँ पर कोई और है, Vivo Y91i के डिवाइस की जगह कोई और डिवाइस है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ एट द रेट लगाकर आपको यहाँ Vivo इंडिया का जो ये यहाँ पर अकाउंट दिख रहा है इसको यहाँ पर टैग कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना ऊपर ट्वीट पर क्लिक। जैसे ही आप ट्वीट पर क्लिक करेंगे ये ट्वीट हो जाएगा, और जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ को करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा Vivo कंपनी पर, यानी कि Vivo के पास इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएगी तो वो लोग इस डिवाइस पर Android 12 के लाने की संभावना को और बढ़ाएंगे, यानी Android 12 लाने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम ये हो गया कि आपको ट्वीट कर देना है, जैसे मैंने आपको करके बताया बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चैट पर आना है और यहाँ Vivo इंडिया को सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको Vivo इंडिया का अकाउंट मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मैसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको मैसेज यही वाला मैसेज कर देना जो आपने यहाँ वहाँ पर टाइप किया था ट्वीट में, वही मैसेज आपको यहाँ पर करके सेंड कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ vivo.com को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ चैट विद अस, इस पर आपको क्लिक करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करिए, आपके डिवाइस पर Android 12 और FrontOS 12 की अपडेट आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो मैं आपको यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर वर्किंग ईमेल आईडी डाल देना जो आप यूज कर रहे हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको एग्री कर देना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड स्टार्ट चैटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर सर्विस लिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा और आपको यही मैसेज यहाँ पर भी आपको पेस्ट करके सेंड कर देना है। उसके बाद आपको फिर बैक आ जाना है। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं इसके बारे में तो और आगे बात कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको इतना लिखने के बाद आपको बैक आ जाना है। इससे क्या होगा कि वीवो के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएगी और जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोगों को ये फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ ईमेल अस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कस्टमर केयर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। नाम अपना डाल दीजिएगा, जो आपका सही नाम वही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डाल देना है, जो आपका वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए, यानी कि काम कर रहा हो उस पर मैसेज आए तो आपको दिख जाए। उसके बाद यहाँ डिवाइस का नाम डाल देना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको डिवाइस का नाम डाल देना है, वीवो Y91i मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। डिवाइस का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर वर्जन डाल देना है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पर आपको डाल देना है। आपको अपनी सेटिंग में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाना है, तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर वर्जन मिल जाएगा, PD से शुरू होता है, तो वो आपको पूरी तरह से यहाँ पर डाल देना है। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आपको डालना है। और यहाँ मैसेज में आपको एक मैसेज टाइप कर देना है, जो कि वही वाला मैसेज आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, आई वॉन्ट टू अपडेट एंड्रॉइड 12 एंड फंटच OS 12 ऑन माई वीवो Y91i डिवाइस। उसके बाद यहाँ नीचे एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ सबमिट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ सबमिट का बटन आएगा जब आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन डाल देंगे, तो सबमिट पे आपको क्लिक कर देना, ये भी रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना फिर से vivo.com पर, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसमें से 3 नंबर में से जो ऊपर के 2 नंबर हैं इन पर आपको कॉल करना है और सभी बंदों को कॉल करना है। सब बंदे जब आप कॉल करेंगे तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो लोग एंड्रॉयड 12 देने की संभावना को बढ़ा देंगे, यानी कि एंड्रॉयड 12 उनके लिए देना एक कंपलसरी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएगी। तो यहाँ ऊपर जो 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं इन दोनों नंबर पे आपको कॉल करके जो आपने लिखा था वही चीज़ उनको बोल देना है। तो इतना काम अगर आप कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके डिवाइस पर एंड्रॉयड 12 और फंटच OS 12 आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो लोग ज़रूर आपके डिवाइस पर एंड्रॉयड 12 का अपडेट और फंटच OS 12 का अपडेट ज़रूर देंगे। तो अगर आपको लेना अपने डिवाइस पर एंड्रॉयड 12 और फंटच OS 12 का अपडेट, तो मैंने इस वीडियो में जो भी आपको बताया है वो ज़रूर से ज़रूर कर देना। तो ये थी आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा।